कुछ समझाया उसने मुझे, पर मैं ना समझती, समझकर भी मैं समझ नहीं पाई। और वो जो चाहता था ना, मैं खूब समझ रही थी, लेकिन खोखला इंसान क्या खाचेगा? लेकिन उस खोखलेपन में भी एक जिंदगी छिपी हुई थी किसी कोने में, जीने की आशा, एक जीने की उम्मीद, एक किरण। लेकिन हालात बदल गए थे, हालात चाबुक की तरह मेरे पेट पे कसते जा रहे थे, जैसे एक कागज की कश्ती समुद्र की उफान में खो जाती है, जैसे ऊंट के मुंह में जीना। लेकिन कमाल की बात है कि जो हार्ड मास के शरीर को हम इंसान कहते हैं, वो अपनी आखिरी सांस छोड़ने तक भी एक उम्मीद को जिंदा रखती है, और इसी उम्मीद को हम ईश्वर कहते हैं, उसी उम्मीद को हम अल्लाह कहते हैं, उसी उम्मीद को हम जीसस क्राइस्ट कहते हैं, और उसी को हम गुरु नानक कहते हैं। एंड बहुत अच्छा किया।